ये है व्रत है, इसमें ये जो जाती है एक साइड से ये हो जाती है हमारी जीवा, जीवा हो गई, और ये त्रिज्या हो गई केंद्र के बिंदु से। जो केंद्र से होकर जाता है ये होता है व्यास, डायमीटर। व्यास सेंटर से केंद्र से होकर गुजरता है और जीवा केंद्र से होकर नहीं जाती है, ये होता है सिकेंट छेदिका। और ये टेंजेंट मतलब किसी भी मतलब इसके किनारे से स्पर्श करके निकलते हैं उसको बोलते हैं टेंजेंट बोल देते हैं। ये व्रत वही है। फिर इसमें आता है एक घनाभ, वही देख लेते हैं। घनाभ का जो होता है आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2L + 2L × B + B × H + L × H। घनाभ की जो तिर्यक ऊंचाई हो जाती है तो इसमें करण की अंडर रूट L² + B² + H² एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई और एच मतलब हाइट। घन हो जाएगा घन का आयतन A³, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A², घन की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी वही अंडर रूट 3 × A²। बेलन, फिर यदि बेलन के निचले पृष्ठ की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच हो तो बेलन का आयतन हो जाता है πr² H, और बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr H। फिर शंकु, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है तो L बराबर ये इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं कि अंडर रूट H² + R² शंकु का आयतन 1/3πr² H। शंकु का वक्र पृष्ठ जो हो जाएगा πr L हो जाएगा। और यहाँ पे ये है गोला, स्फेयर गोला है। इसके जो परिभाषा लिखी है तल पर सभी बिंदु इसके केंद्र से समान दूरी पर होते हैं, इसमें कोई शीर्ष या किनारा नहीं होता है, गोले का सिर्फ एक ही तल होता है, ये बहुत तल आकृति नहीं होती है। तो गोले का जो आयतन हो जाता है, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3πr³, 4/3πr³ गोले का आयतन हो जाता है। और गोले का जो पृष्ठ हो जाएगा तो हो जाएगा 4πr² अर्धगोला इसमें हो जाएगा 2 का 2 कर देते हैं सबका, तो इसका आयतन हो जाएगा, गोले का आयतन होता था हमारा 4/3πr³, इसमें 2 का 2 कर दिया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया तो बच जाएगा 2/3πr³। वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr², संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2πr² + r² या 3πr², यहाँ पे गोले का ये फार्मूला पूरा लिखा हुआ है, आयतन 4/3πr³, वक्र पृष्ठ 4πr² शंकु, शंकु का आयतन है 1/3πr² H, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr L, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr L + πr² और तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी इसकी L बराबर अंडर रूट r² + h² जिसको भी जिसने अभी क्षेत्रफल के जो फार्मूले नहीं देखे हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए वो आप मेरी दूसरी वीडियो में देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं पूरी क्षेत्रमिति के सूत्र दिए हुए हैं। ये मैंने 3D वाले बनाए हैं, पार्ट 3 है, पार्ट 1 और 2 देख सकते हैं आप। तो ये बेलन सिलेंडर आयतन, बेलन का आयतन हो जाता है πr² H और क्षेत्रफल 2πr H, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2πr H + 2πr² घनाभ का जो आयतन था ये था आयतन L + B × B × H, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, विकर्ण हो जाएगा इसको L इस अंडर रूट L² + B² + H² घन। फिर यहाँ पे अर्धवृत्त आता है, अर्धवृत्त सेमी सर्कल जो वृत्त का होता था उसी में आप उसी फॉर्मूले में 2 का 2 कर दें तो आ जाएगा, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल था πr² किसका हो जाएगा πr² / 2 या π/2 × r² हो जाएगा। वृत्त की हो गए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 × a² और इसका जो परिमाप निकालना है तो सभी तीनों भुजाओं का योग, तो मतलब इसकी एक भुजा a है तो ये भी a, ये भी a, तो इसका हो जाएगा परिमाप 3a हो जाएगा। समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल है 1/2 × ऊंचाई, परिमाप इसका हो जाएगा a + b + c हो जाएगा। त्रिभुज ट्रायंगल, इसमें ये जो विषमबाहु त्रिभुज दिख रहा है तो इसके विषमबाहु त्रिभुज हो जाता है, जो फॉर्मूला होता है इसका, अगर जो हम इसको ये b मान लिया है, यहाँ पे हाइट h, तो यहाँ पे हो जाएगा b/4 × √4
इसकी जो एक साइड होती है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे इसका ये क्षेत्रफल हो जाता है। इस प्रकार से स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और इसकी परिमाप हो जाएगा 4 into a, और विकर्ण की लंबाई √2 into भुजा, आयत हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और परिमाप 2 लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हो जाता है हमारे सिलेंडर रखा हुआ है, बेलन है, जो बेलन का हमने देख ही चुके हैं कि आयतन जो होता था बेलन का, जो वक्र पृष्ठ होता था 2πrh, यहाँ से यहाँ तक ये h है, और ये त्रिज्या इसकी r हो गई। बेलन का आयतन होता था, बेलन का आयतन जो था तो πr² into h।